देश भर में कोरोना महामारी की जंग में प्रशासन के साथ कई सामाजिक संस्था एवं समाजसेवी बराबर के हिस्सेदार बन रहे हैं। इन सभी का मकसद केवल कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखना है। इस कार्य के लिए कई संस्था अपने स्तर पर दान देकर जरूरतमंदों की आवश्यक पूर्ति कर रही हैं, जिससे आज बड़वाह शहर कोरोना की महामारी से कुछ सुदूर नजर आ रहा है। खरगोन जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए बड़वाह के समीपस्थ ग्राम खोड़ी स्थित एसोसिएट अल्कोहल एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थानीय थाने पर फुल बॉडी सैनिटाइज चैम्बर भेंट किया, ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सुरक्षित रखा जा सके। इस समस्या के निदान हेतु बड़वाह थाने परिसर में फुल बॉडी सैनिटाइज चैम्बर लगवाया गया है। इस दौरान एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया कि इस फुल बॉडी सैनिटाइज चैम्बर से नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मी एवं थाने परिसर में आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाने में लाभकारी होगी, ताकि कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने जाने के दौरान व ड्यूटी के बाद घर जाते समय दो बार फुल बॉडी सैनिटाइज करने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि कंपनी के प्रबंधक एच के भंडारी ने वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण से अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से थाने परिसर में ये चैम्बर लगाने की बात कही। इस कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद चैम्बर को भविष्य की जरूरत को देखते हुए कंपनी में वापस सुरक्षित रख ली जाएगी, ताकि भविष्य में भी इस फुल बॉडी सैनिटाइज चैम्बर का उपयोग विपरीत परिस्थिति में लिया जा सके। इस मौके पर एसटीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव, टीआईटीआर पटेल, प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान सहित कंपनी में कार्यरत धनंजय तिवारी, पशुपतिनाथ तिवारी एवं अन्य स्टाफ मौजूद था। संवाददाता ओंकारेश्वर दीपक गुप्ता। ये तो गंदगी उठा के साफ करते हैं, आप लोग पूरे ग्रुप में, धूप हो बरसात हो तो एक निवेदन है सब लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। बताएं आज सैनिटाइज मशीन लगाई गई, किनके समझने से और किस प्रकार का प्रयास रहेगा आगे? कोडी एसोसिएट के सहयोग से लगाई गई है सैनिटाइजर मशीन, और अभी वर्तमान में कोरोना के दृष्टिगत इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि पुलिस प्रशासन नगर पालिका के सारे स्वास्थ्य सफाई कर्मी और अन्य लोग भी थाने पर आते हैं, तो उनका पूरा इसमें से निकलेंगे वो, तो उनका विषाणु वगैरह जो भी उनके शरीर में या कपड़ों में रहेंगे तो उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये काफ़ी समय से बहुत प्रचलित था, अब ये लग गई है, इससे सभी को बेनिफिट होगा।